टीवी सीरियल अनुपमा में रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना की जोड़ी धमाल मचा रही है। इस सीरियल में अनुपमा और अनुज के किरदार में दोनों को काफी पसंद किया जा रहा है। इन दिनों शो में होली पार्टी चल रही है, जिसपे अनुपमा ने अपने बिगड़ैले बेटे तोशु को पकड़ने के लिए पूरी तरह प्लानिंग कर ली है। बीते एपिसोड में अनुपमा तोशु को पकड़ने के लिए डिम्पी, काव्या और किंजल के साथ एक प्लान बनाती है और तोशु भी होली पार्टी में आ जाता है। अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा अपने बेटे को होली पार्टी में पकड़ लेगी और वनराज शाह को भी जेल भेजने की धमकी देगी। तो आइए आपको अपकमिंग एपिसोड का हाल बताते हैं। टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि टीटू डिम्पी को गुलाल लगाने के लिए आगे बढ़ता है, तब उसे वनराज देख लेता है और उसका खून खौल जाता है। टीटू जैसे ही डिम्पी को गुलाल लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो पीछे से वनराज आकर उसे जमीन पर गिरा देता है। इस दौरान टीटू के हाथ से सारा गुलाल उड़कर डिम्पी की मांग में गिर जाता है। इस मौके पर अनुपमा आकर टीटू को वहां से जाने के लिए कह देती है और बापूजी वनराज को रोक लेते हैं। इसके बाद अनुपमा वनराज को ये मामला छोड़कर तोशु पर ध्यान देने का इंतजार करती है। सीरियल में आगे देखने को मिलेगा कि अनुपमा तोशु को होली पार्टी में पहचान लेती है। इस दौरान वह सीधा जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके मुंह पर बाल्टी से पानी डाल देती है। तोशु को वहां पर देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। अनुपमा पहले सभी बच्चों को वहां से भेज देती है और फिर तोशु को खूब सुनाती है। इस दौरान वह तोशु को बताती है कि कैसे उसने मिस्टर शाह को मजबूर किया ताकि वह तोशु को वहां पर बुला सकती। ये सुनकर वनराज भी भड़क जाता है। हालांकि इस मौके पर किंजल का गुस्सा अपने पति पर निकलता है। वह चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, पहले गलती की फिर सॉरी, यही देखते आ रही हूँ। मैं सोचती थी कि तुम मुझसे और परी से प्यार करते हो, लेकिन मैं गलत थी। सीरियल में आगे दिखाया जाएगा कि अनुपमा भी तोशु को बिल्कुल नहीं छोड़ती। वह तोशु पर अपनी भड़ास निकाल कर बोलती है, आज मैं तोशु को सजा दिलवा कर ही रहूंगी। तोशु मेरा दोषी है और मैं ही उसे सजा दूंगी। इस दौरान तोशु अनुपमा के पैर पकड़ लेता है। वह तोशु के दोनों हाथों को अपने पल्लू से बांध लेती है और बोलती है, माँ का पल्लू बच्चे के लिए छाया और साया दोनों के लिए होता है, लेकिन तुझे तो मैं सजा दिलाकर रहूंगी। इस दौरान तोशु भी चिल्लाकर बोलता है, मैं भगोड़ा या कायर नहीं हूँ, मैं पापा को बताकर गया था। इस मौके पर अनुपमा तोशु की कोई बात नहीं सुनती है। इसी वजह से तोशु माँ के आगे माफी की भीख मांगता है। वह उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है। शो में आगे देखने को मिलेगा कि अनुपमा को समझाने के लिए वनराज आगे आता है। वह अनुपमा को बोलता है, तुम तोशु को जेल नहीं भेज सकती, तुम्हें किंजल और परी का भी सोचना होगा। हम दोनों इसके माँ बाप है और हमारा फर्ज है कि इसे माफ करना होगा। अगर ये जेल चला गया तो क्या बदल जाएगा? तुम्हारा जेल जाना अब किसी को याद नहीं, लोगों को क्या फर्क पड़ता है। वह अनुज को भी समझाता है कि उसे अनुपमा को समझाना चाहिए। वनराज की बात सुनकर अनुपमा भड़क जाती है और बोलती है कि अगर वह बीच में आएंगे तो वह पुलिस में जाकर बोल देगी कि वनराज शाह तोशु का साथ दे रहे हैं।